रही पाकिस्तान वेलकम टू द पॉडकास्ट वॉडकास्ट ऑन ए न्यू सीरीज ऑफ टॉक्स सेशंस एंड डिफरेंट द कॉमन वॉइस. लेडीज एंड जेंटम माई नेम इज हुसैन हैदर मेरा नाम सईद हुसैन हैदर है और मैं एक प्रोफेसर हूँ एक वकील हूँ और एक सोशल वर्कर हूं पिछले तीस सालों से मैं पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मैं फलाही काम कर रहा हूँ बहुत सारे मुख्तलिफ मुख्तलफ बी और अंदरूनी इदारों के साथ और ये जो मुख्तलिफ फलाही काम हैं ये उन गरीब लोगों के लिए उन मुस्तकम लोगों के लिए और जितने भी हमारे दूर दराज इदारों में और दूर दराज इलाक़ों में लोग हैं उनके लिए जो है मैं काम कर रहा हूँ और उसी के साथ वकालत भी कर रहा हूँ और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा भी रहा हूँ मेरा नाम सईद हुसैन हैदर है और ये जो पॉडकास्ट है ये द कॉमन वॉइस आपके लिए बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे मेहमान लेके आएगा और इसके अंदर हम लोग आपको मुख्तल तरीक़ों से ज़िंदगी कैसे बेहतर तरीके से गुजारी जा सकती है और किस तरह जो है आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं ऑन्टोप्रनशिप कर सकते हैं तालीम हासिल कर सकते हैं और उसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पर मशवरे टोट के और उसके अलावा ये भी होगा कि आपको बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक्स भी मिलेंगी सो so, आज का पहला दिन द कॉमन वॉइस आप लोगों के लिए आज हम लोग जो हैं एक आपको कहानी सुनाएंगे मगर उससे पहले आपको एक कोटेशन नथिंग कैन विद स्टैंड द पावर्स ऑफ ए डिटर्मेंट एंड रेजोल्यूट माइंड बैरियर्स फॉल एवरी थिंग्स कम्स इफ पॉजिटिवली इंस्पायर्ड द वेरी गेट्स ऑफ हेवन ओपन तो ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है अगर निकलो तो बहुत दफ़ा ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि शायद ये मुमकिन नहीं है शायद ये बहुत मुश्किल है शायद हमारे पास वसायल नहीं है, शायद हमें हमारी तकदीर नहीं है हो सकता है कि हम किसी इम्तिहान में हों और फिर हम लोग डर जाते हैं और उस रास्ते पर नहीं चलते उस मंजिल की तरफ हम लोग नहीं चलते ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रब पर यकीन रखें और अपने अंदर वो जोश जज्बा और जुनून लेके कर जिससे हम वो सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं जो कि नामुमकिन लगते हैं इसी तरह एक छोटा सा बच्चा था जो कि हैदराबाद के एक गांव से उसका तलक था और बहुत सारी मजबूरियों की वजह से बहुत सारी जो है हालात की मजबूरियों की वजह से वो और उसका ख़ानदान जो है वो हैदराबाद छोड़ के वो पहले मलेशिया गए और फिर सिंगापुर गए और उसने वहाँ पे तालीम हासिल की वहाँ पे स्कॉलरशिप्स ली वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल की और उन सब तकलीफ के थ्रू गुजरते हुए और मुश्किलों के रास्ता और कांटों के रास्ते के ऊपर से गुजरते हुए उसने जो उनका कंपटीशन का इम्तहान है वो दिया और वो उनके फॉरेन सर्विस के अंदर सिलेक्ट हो गया सिंगापुर के फॉरेन सर्विस के अंदर तो आप देखें हैदराबाद से चले बहुत सारी मजबूरियाँ बहुत सारी मुश्किलें बहुत सारी रुकावटें बहुत सारी दीवारें और कांटे और फिर जो है सिंगापुर वहाँ पे तालीम हासिल की स्कॉलरशिप लिए और कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर से वो फॉरेन सर्विस ऑफ सिंगापुर के अंदर आ गए उन्होंने और मेहनत की और उसके अंदर से फिर आहिस्ता 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 वो सिंगापुर के एम्बेस्टर बन गए और एम्बेस्टर बनने के बाद जो है वो सिंगापुर के परमानेंट फॉरेन सेक्रेटरी बन गए जो कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन उनके सिविल सर्विस के अंदर थी और उसके बाद वो यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने और जब उन्होंने अपनी सिविल सर्विस का अख्ताम किया तो वो एडवाइज़र बन गए ली कॉन यू जो कि फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ सिंगापुर के, के एडवाइज़र बन गए और इस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के लिए खिदमत की कि सिंगापुर जो है वो एक बहुत गरीब मुल्क से आहिस्ता 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 जो है बहुत सारी दहाइयों के बाद जो है वो एक तरक्की पजीर मुल्क बन गया और उसकी जो काविश थी और मेहनत थी वो दुनिया के अंदर जो है वो मानी जानी लगी और फिर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने जो लूला डी सिल्वा जो ब्राज़ील के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो फिर उसको ख़ास तौर पे इनवाइट किया और वहाँ जाके वो एडवाइज़र लगे और ब्राज़ील की जो इकॉनमी है और जो ब्राज़ील के जो आते हैं उनको ठीक किया और फिर उनको एक बहुत जो है एक अहम पोजीशन, ख़ास तौर पे दुनिया के अंदर जो लीक ऑन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है वो हावर्ड आ स्कूल ऑफ़ गवर्नमेंट के बाद जो है ना समझ जाता है कि सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके वो डीन लग गए और उन्होंने पूरी दुनिया की लीडरशिप को जो है वो ग्रूम करना शुरू किया इस सारे कहानी के अंदर और इस सारे रास्ते के अंदर जो है उन्होंने एक किताब भी लिखी और वो किताब का जो वनवान है कैन एशियंस थिंक तो ये जो किताब है ये बेसिकली एक किताब है एक सफ़रनामा है और अगेन जो है वो उसका उनवान और जो उसका कंटेंट है उससे ये पता चलता है कि जितनी भी दुनिया के अंदर ज़्यादातर तरक्की जो आई है वो असल में एशिया से आई है और एशियंस ही क्रिएटिव हैं और एशियंस ही जानदार तरीके से मेहनत करते हैं जिससे ना सिर्फ एशिया को फ़ायदा होता है बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है सो ये जो शख्स हैं ये जो लीडर हैं ये जो रोल मॉडल हैं और ये हमारे जो सरज़मीन पाकिस्तान से जो एक नौनहार बच्चा जो है वो उठ के एक ग्लोबल लीडर और फिर लीडर्स का जो है वो उस लीडरशिप इंस्टीट्यूट का सरबरा बना उनका नाम है किशोर महबूबानी किशोर महबूबानी साहब सन ऑफ द सॉयल हैं हमारी मिट्टी से और इस मिट्टी से फिर वो आगे गए और आपने देखा कि कैसे उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ़ दुनिया भर के अंदर जो है वो एजाजात लिए और बहुत अहम पोजिशन के ऊपर काम किया और बहुत सारे मुल्कों को एक बेहतर रास्ते पर चलाया तो इसी तरह आ, सदर मुशरफ़ के दौर में प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ ने उनको पाकिस्तान जो है वो मधु किया और उनको कहा कि जी आप जो है ना जो आपके पूरी दुनिया के तजर्बे हैं और आपके अंदर जो इतनी सारी सलाहियतें हैं वो आके हमारे जो पॉलिटिशन हैं हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि जो है हम लोग आगे बेहतर तरीके से चल पड़ें तो किशोर महबूबानी साहब आए और मुझे इस चीज़ का एज़ाज़ मिला कि मैं उनका उस वक्त प्रोटोकॉल ऑफिसर था और उनके साथ जो है जिधर भी वो जाते थे मैं साथ जाता था तो उसकी वजह से मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा उनसे मैं इंस्पायर हुआ और जो है जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जो उनकी किताब है कैन एशियंस थिंक उन्होंने जो है ना उसके ऊपर मेरे लिए एक स्पेशल मैसेज लिखा और वो मुझे जो है ना वो गिफ्ट की तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन बेसिकली अगेन उसके अंदर uh, मैं आपको दो जो उनकी बड़ी अहम कहानी हैं जिससे पता चलता है कि जिस कौम के अंदर या जिस शख्स के अंदर वो जज्बा होगा वो जुनून होगा वो हिम्मत होगी और वो उसके ऊपर लग जाएगा या लग जाएगी तो तकदीर खुद ही बन जाती है और उसी तरह जैसे रब तला फरमाते हैं कि मैं उसी कौम की मदद करता हूँ जो कौम ख़ुद चाहती है कि वो आगे बढ़ सके और मैं उसी शख्स की जो है वो तकदीर तब्दील करता हूँ जो ख़ुद चाहता है कि वो अपनी तकदीर को तब्दील करे तो इसी तरह किशोर महबूबानी साहब ने दो बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना वो स्टोरीज़ बताई सबसे पहले तो स्टोरी थी कि एक ऐसा मुल्क जो कि एक जजीरा है और उसका जो साइज़ है वो शहर लाहौर से भी आधे से कम है क्योंकि शहर लाहौर जो है वो सत्रह सौ ग्यारह किलोमीटर है और जो सिंगापुर है वो सात सौ किलोमीटर है शहर लाहौर की आबादी अब तकरीबन पंद्रह मिलियन है और सिंगापुर की आबादी 5.2 मिलियन है तो उन्होंने इसकी स्टोरी सुनाई कि सिंगापुर जिसके पास कोई वसायल नहीं थे अब पानी पीने तक नहीं था वो भी मलेशिया से उनको मंगवाना पड़ता था छोटी सी आबादी थी कोई फर्टाइल लैंड नहीं था कोई इंडस्ट्री नहीं थी कुछ भी नहीं था एक ऐसा मुल्क जिसके पास कोई वसायल नहीं और जिसके पास कोई वसायल नहीं तो शायद कोई मुस्तबिल भी नहीं मगर उस वक्त के जो लीडर्स थे अंडर लीक ऑन यू अंडर लीक ऑन यू जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ बैठ के उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तो बहुत कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है तालीम के ऊपर जो है ना वो फोकस करना चाहिए तो उन्होंने तालीम के ऊपर फोकस किया पूरी दुनिया के एजुकेशनल सिस्टम्स को स्टडी किया उसके अंदर से जो है ना उन्होंने जो वहाँ की मुख्तलिफ मुख्तलफ़ एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर से जो अच्छाइयाँ थी उनको इकट्ठा किया और अपना एक सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जो अब जब हम देखते हैं तकरीबन पचास साल बाद जो है हम ये देखते हैं कि अब दुनिया का टॉप एजुकेशन सिस्टम है वो लोग एजुकेशनल टूरिज़म करते हैं वो लोग लो हेल्थ टूरिज़म करते हैं पूरी दुनिया से लोग उधर जाके पढ़ते हैं जो उनका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है वो टॉप टेन में है जो उनका नैंग यूनिवर्सिटी है वो जो है टॉप फिफ्टीन में है और अगेन उनके बहुत सारे इदारे हैं जैसे लीक यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है वो नंबर टू पे है सिंगापुर सिविल कॉलेज जो है सिविल सर्विस कॉलेज वो भी जो है ना टॉप थ्री इंस्टीट्यूशंस के अंदर समझा जाता है और इसी तरह बहुत सारे उनके कमाल के इदारे हैं जो पूरी दुनिया से लोग आके वहाँ पर पढ़ते हैं और शुरू किया उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम रख के जो है वो आगे चलते रहे और आगे बढ़ते रहे और आप ये देखें कि वो एक छोटा सा जो मुल्क जो पीने का पानी भी इम्पोर्ट करता है और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जो नॉलेज बेस्ड इकॉनमी क्रिएट की और उस नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी की बेस के ऊपर उन्होंने नॉलेज इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स और नॉलेज प्रोसेस डेवलप किए और उन प्रोसेस के लिए नॉलेज एम्प्लॉज़ और इंडिविजुल्स जो हैं उनकी कैपेसिटी बनाई जिन्होंने इंटेलेक्चुअल कैपिटल जनरेट करके एक साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जो है उसको इनिशिएट किया और उसको प्रोटेक्ट किया थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो एक पूरी एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और सिस्टम क्रिएट की और वो मुल्क जो है उसका पर कैपिटा जो है इनकम वो दुनिया के टॉप कंट्रीज में है मोर देन सेवेंटी थाउजेंड यूएस डॉलर्स पर एन और प्लस जो है ना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एक्सेस सरप्लस फंड्स ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके पास तकरीबन आठ लाख स्क्वेयर किलोमीटर लैंड है सॉल्ट से लेकर यूरानियम तक है उसके अलावा हमारे पास वन ऑफ द वर्ल्ड फाइनेस्ट एंड बिगेस्ट आर्मीज है हमारे पास हिमालय है काराकुरम है हिंदू कुश है हमारे पास कोस्टल लाइन है पूरी की पूरी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की हमारे पास ऑल सीजन हैं ऑल टाइप ऑफ टेरेन है मोस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रीकेट इरिगेशन सिस्टम है डैम्स हैं मोटरवेज हैं टेलीकॉम है सब कुछ है मगर हम लोग जो हैं अभी तक तरक्की सही तरह से नहीं कर सके और दूसरा यह है कि हमारे मुल्क में गुर्बत है और जो हमारा तालीम का निजाम है वो धर्म भरम है क्यों वाय क्योंकि हमने ना तो वो सही नीयत की और ना हमने अपने रिसोर्स को सही तरह से फोकस किया और ना ही हमने जो सबसे अहम रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स को इज्जत दी और उसको जो है पॉलिश करने की कोशिश की थ्रू एजुकेशन थ्रू ट्रेनिंग वो हमने नहीं की और ये लेसन जो है किशोर महबूबानी साहब ने दिया कि जब कौमें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं और एक फोकस्ड अप्रोच के साथ एजुकेशन को अपने हाथ में लेती हैं और एजुकेशन के थ्रू जो है वो तरक्की करती हैं तो फिर उनकी इकॉनमी चेंज हो जाती है उनकी तकदीर चेंज हो जाती है उनकी डेस्टनी चेंज हो जाती है और वो एक तरक्की पजीर मुल्क बन जाते हैं और उन्होंने यही एडवाइस की कि दैट इज़ द वे फॉरवर्ड और किशोर महबूबानी हमारा ही सन ऑफ सॉयल है और उसने ये एडवाइस की प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही किसी ने उनसे पूछा कि सर ये तो आपने कहानी सुना दी हमें सिंगापुर की और आपने बताया कि कैसे हम तरक्की कर सकते हैं बट इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि बहुत जरूरी है तो किशोर बहबूवानी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है एक सेशन कंडक्ट कर रहे थे और पूरे पाकिस्तान से लीडरशिप आई हुई थी टॉप लीडरशिप हमारे प्रा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और सब लोग वहां पे बैठे हुए थे तो वहां पे उनसे सवाल हुआ कि जी आपने ये कंपैरिजन तो कर दिया सिंगापुर और पाकिस्तान का और ये भी बता दिया कि सिंगापुर ने तरक्की कैसे की मगर और क्या चीज है जो कि जरूरी है कि एक कौम तरक्की करे या एक फर्द तरक्की करे तो उसका एक बहुत सादा सा जवाब किशोर महबूबानी साहब ने दिया और वो जवाब असल में एक सवाल की सूरत में था जिसको हम अंग्रेजी में रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं तो उन्होंने पूछा कि गाड़ी की रफ्तार कैसे जो है उसकी पैमाइश कैसे होती है तो फिर किसी ने कहा माइल्स पर आवर एम पी एच तो किशोर साहब ने कहा हां तो सिंगापुर ने एम पी एच मॉडल को फॉलो किया अब ये जो एम पी एच मॉडल है इससे क्या बनता है एम से बनता है मैरिट पी से बनता है प्रैग्मेटिज्म या प्रैक्टिकल अप्रोच और एच से बनता है ऑनेस्टी उन्होंने कहा ये तीन फंडामेंटल वैल्यूज सिंगापुर ने जब से वो इंडिपेंडेंट हुआ 1965 से उन्होंने तहैया किया कि हम लोग मैरिट के ऊपर जो है हर काम करेंगे और फैसले करेंगे हम लोग आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे प्रैग्मैटिक होंगे और थर्डली हम लोग जो है ऑनेस्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अब ये कहना तो बहुत आसान है मगर इसको अमली तौर पे जो है वो अपनाना और फिर पूरी कौम पे अपनाना तो उसका जो है फिर किशोर साहब ने एग्ज़ाम्पल दिया मेरिट का एग्ज़ाम्पल उन्होंने यह दिया कि जी सिंगापुर में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जितने भी लोगों को नौकरियां मिलती हैं वो मेरिट पे होती हैं ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कोई बायस होता है ना कोई सिफारिश चलती है ना कोई दोस्ती होती है जो मेरिट के ऊपर आएगा उसी को नौकरी मिलेगी और उसने कहा कि उसका एक जो नमूना है वो खुद हैं हालांकि वो पाकिस्तानी हैं बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान मगर उन्होंने सिंगापुर के हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप को जो है बेसिकली अडॉप्ट किया बिकॉज हर फैसला मेरिट पे होता है और ये जो मेरिट है ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं होता ये कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है ये बिज़नेस के लिए होता है ये गवर्नमेंट के लिए होता है और हर फैसला जो है वो एक मेरिट बेस्ड डिसीजन होता है फैसला होता है जो कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होता है और उसी के ऊपर फिर मेरिट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है प्रैग्मेटिज्म का उन्होंने एग्जाम्पल दिया तो वो दिया अपने एजुकेशन सिस्टम का कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी हम अपना एक एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं जो किसी के पास और नहीं है उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया जो मैंने आपको शुरू में भी थोड़ा सा बताया कि उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स लगाए और वो सारे उन्होंने डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स स्टडी किए उन सिस्टम्स को स्टडी करके उन्होंने कुछ जो सिस्टम्स हैं एजुकेशन सिस्टम्स उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा किया और फिर उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एंड देर फोर दैट वॉज ए प्रैक्टिकल अप्रोच ऑनेस्टी के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऑनेस्टी हैज़ टू बिगिन फ्रॉम द टॉप ऊपर से शुरू होनी पड़ती है हम लोग जो हैं नीचे से शुरू करते हैं उन्होंने कहा ऊपर से शुरू होनी पड़ती है कैसे उन्होंने बताया कि एक मिनिस्टर जो कि बहुत मेहनती थे बहुत मेहनत से काम करते थे और जो है वो हर वक्त काम करते रहते थे तो उनका एक दोस्त आया और उस दोस्त ने उनको कहा कि तुम इतनी मेहनत से काम करते हो बट तुमने कभी छुट्टी नहीं काटी तो उसने कहा कि मेरे पास वसाइल नहीं है उसने कहा मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ अगले साल तुम मेरे पास जो है ना आ जाना अपने फैमिली को लेके और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारा जो है ना पूरा ट्रिप का जो है एक्सपेंस बेयर कर लूंगा वो मान गए वो चले गए उस शख्स का कोई कारोबार सिंगापुर में नहीं था मगर जो है वो मिनिस्टर जो है वो सैर करने चले गए अपनी फैमिली के साथ जब वापस आए तो उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर ने उनको एक लेटर दिया और उसके ऊपर ये था कि वो मिनिस्टर नहीं है और अब जो है ना उनके ऊपर एक इंक्वायरी शुरू हो गई है वो मिनिस्टर साहब जो हैं वो डायरेक्टली जो है, है प्राइम मिनिस्टर सेक्रटेरियट गए और ली कॉन यू से पूछा कि जी ये क्या है तो ली कॉन यू ने उनसे पूछा कि तुम मुझे ये बता दो कि ये जो तुम जिस ट्रिप पे गए हो इसके रिसोर्सेज इसके वसायल कहाँ से आए तुमने कैसे अफोर्ड किया ये ट्रिप तुम्हारी जो तनख्वाह है इससे यह ट्रिप नहीं हो सकता तो उसने कहा कि जी मेरे दोस्त ने स्पॉन्सर किया तो ली कॉन यू ने कहा कि यही दोस्त होगा जो एक दिन तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे से कोई ना कोई फेवर लेगा और तुम उसको फेवर दोगे और उसकी कॉस्ट सिंगापुर को भरनी पड़ेगी इसलिए तुम घर नहीं जा रहे तुम जेल जा रहे हो यह भी करप्शन है सो ऑनेस्टी बिगिंस एट द टॉप ईमानदारी ऊपर से शुरू होती है हमें ईमानदार प्राइम मिनिस्टर चाहिए हमें ईमानदार वज्रा चाहिए हमें ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स चाहिए हमें ईमानदार एम्प्लॉज चाहिए हमें ईमानदार लीडर्स चाहिए हमें ईमानदार यूथ चाहिए बगैर ईमानदारी के तरक्की नहीं हो सकती यूनाइटेड नेशंस का एक कॉल है करप्शन ईट्स इनटू द फैब्रिक ऑफ ए नेशन लाइक कैंसर बेईमानी दीमक की तरह एक कौम को खोखला कर देती इस बेईमानी को और इस करप्शन को और इस झूठ और फ्रेब को एक कौम की हैसियत से हमें खत्म करना पड़ेगा आहिस्ता 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 इंशाल्लाह तब हमारी कौम तरक्की करेगी तब हमारी कौम से गुर्बत खत्म होगी तब हमारी कौम से अफलास खत्म होगी तब हमारी कौम से भूख खत्म होगी तब हमारी कौम तरक्की करेगी तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये थी स्टोरी किशोर महबूबानी और सिंगापुर की कैसे एक शख्स ने तरक्की की और बहुत सारी मुल्कों के ऊपर छा गया और कैसे एक कौम ने तरक्की की और वो एक मुकम्मल तरक्की पजीर मुल्क बन गया और उस कॉम को पूरी दुनिया जो है वो फॉलो कर रही है उनके इंस्टीट्यूशंस को उनके रोल मॉडल्स को उनके सिस्टम्स को और उनके प्रोसेसेस को हमारी 22 करोड़ की आवाम बहुत कुछ कर सकती है अगर हम इरादा कर लें बहुत कुछ कर सकती है अगर हम नियत कर लें बहुत कुछ कर सकती है अगर हम लोग सच बोलें और ईमानदारी से काम करें बहुत कुछ कर सकती है अगर हम अपने अंदर से बदनीति को खत्म कर दें मैंने शुरू किया कोटेशन से खत्म भी कोटेशन से करूंगा नथिंग कैन विद स्टैंड द पावर्स ऑफ ए डिटर्मेंट एंड रेजोल्यूट माइंड बैरियर्स फॉल एवरीथिंग्स कम्स इफ पॉजिटिवली इंस्पायर्ड द वेरी गेट्स ऑफ हेवन ओपन ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है अगर निकलो तो आइए निकलते हैं अपने कौम के लिए अपने भाई बहनों के लिए अपने लिए द कॉमन वॉइस बहुत शुक्रिया